गाइज गुड मॉर्निंग आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दोबारा से, क्योंकि मेरे कुछ चेकअप रह गए थे, वो मैंने कराने थे और पेंडिंग थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो वो करा लेती हूँ सारे चेकअप्स। तो मैंने सोचा स्काई का भी एक रूटीन चेकअप करा लेते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, लिटरली बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और हम यहाँ पे बैठे हैं बाहर की साइड, यानी कि मॉल रोड साइड बोल सकते हैं आप इसको, रोड साइड है ये, बहुत ही सुंदर बना दिया है इन्होंने, यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगा दिए तो अच्छा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और अभी हमने सोचा कि यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगी हैं, अभी लगी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा धूप सेक लेते हैं। तो बस जस्ट अभी बस से उतरे थे और धूप सेक रहे हैं थोड़ी सी स्काई के साथ। एंड स्काई सो मैनी डॉग्स हियर, व्हाट आर यू वॉचिंग? शी इज स्माइलिंग नाउ। हेलो स्काई, स्काई व्हाट आर यू डूइंग? स्काई लुक एट द कैमरा, स्काई लुक एट द कैमरा। एंड लिटरली धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सामने से धूप आती है और ये रोड साइड है, यानी कि मॉल रोड टाइप का बोल सकते हैं आप इसको। तो बस यहाँ पे अभी न्यू बेंचेस वगैरह लगी हैं, तो मैंने सोचा कि यार एक यहाँ पे क्लिप वीडियो ली जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूरज, कड़कड़ाके की धूप है, धूप तो काफ़ी तेज़ है, बट ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए धूप में ना, अदरवाइज टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है फेस के ऊपर ना। तो बस स्काई को मैंने बिठा दिया बेंच के ऊपर और शी इज़ लिटरली बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है। तो बस अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। दिन में देख सकते हैं लाइट जली हुई है और कुछ इस तरह से है व्यू सुबह मॉर्निंग का, कड़कड़ाती वाली धूप लगी हुई है। एंड आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर की साइड फोग टाइप का हो चुका है, स्मोक बोल सकते हैं, फोग भी बोल सकते हैं इसको। और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा और गैदरिंग बढ़ती जाएगी। स्काई, स्काई अपने लगेज के साथ बैठ चुकी है। स्काई वे आर यू गोइंग विद योर लगेज? स्काई, स्काई हेलो। तो स्काई अपने लगेज के साथ बैठ चुकी है, स्काई जा रही है घूमी करने के लिए। स्काई जा रही है मम्मा। मैं और स्काई जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो हमारा फेवरेट प्लेस हो गया एक तरह से देखा जाए। स्काई को भी ऐसी दिखा लेती हूँ, नॉर्मल चेकअप करा लेती हूँ स्काई का। और मेरे को भी काफी टाइम से दर्द लगी है पेट के अंदर, बहुत टाइम हो गया और मैंने सोचा जल्दी खा ही लेती हूँ। और हम जा रहे हैं स्काई, यू एंड मी। और स्काई यू पे आप ग्लव्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही प्लेस है, यानी कि ग्राउंड है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा दुकानें शॉप्स वगैरह लगी हुई थी। और आजकल देखिए कितना खाली खाली सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है देखना। और ये सीधे जाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल साइड और ये काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है, तो सामने हॉस्पिटल वो आपको दिख ही रहा है। और बस ये ऐसे मैंने छोटा सा एक बाहर का क्लिप ले लिया है, वो आप इंजॉय कीजिए। बच्चे के साथ वॉक करना फिर व्लॉगिंग करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। एक हाथ से पकड़ा हुआ है मैंने, लिटरली मेरा हाथ थक चुका है। ये लीजिए, एज यूजुअल हमेशा की तरह इतनी लंबी लाइन ही हमें मिलती है, चाहे कितना भी जल्दी आ जाओ, क्योंकि यार काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं तो यार वो जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी क्यू के अंदर खड़े हुए थे और लिटरली यहाँ पे जस्ट साइड में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, तो उधर से बहुत तेज़ ठंडी हवा आ रही थी, स्काई के फेस के ऊपर लग रही थी, तो मैं स्काई को टर्न करके खड़ी हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लाइन के अंदर खड़े हैं और मेरा तो लिटरली हाथ थक चुका था बहुत बुरी तरह। पीडियाट्रिक इज़ नॉट हियर, सो नाउ इट्स माई टर्न, आई एम गोइंग टू माई गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज स्काई की डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास है ना स्काई, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। स्काई 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 स्काई
ट्रेवल का रश है भाई साहब। शो मैनी रश का यू एंड यार दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लिप इन दिस वीडियो बिकॉज स्काई सबकी फेवरेट है। तो मेरा चल रहा था रूटीन चेकअप, तो स्काई को बोला मैम ने कि आप मेरे को दे दो, और लिटरली स्काई को इतना ज्यादा प्यार कर रही थी ना मैम, बहुत ज्यादा। लाइक आई ऑलरेडी सेड कि मेरे को वैक्सीनेशन भी करानी है, क्योंकि अभी तक मेरी वैक्सीनेशन पेंडिंग है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बाहर, बट यहाँ पे कोई था ही नहीं, यहाँ पे लोग लगा हुआ था। तो मैं और स्काई बैठ चुके हैं सीट के ऊपर, और ये हॉस्पिटल का कुछ ऐसा व्यू है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर हॉस्पिटल है यार। घी जाएगा पीछे, घी जाएगा गंजे स्काई। यू स्काई स्कायू देख कितनी क्यूट है ये। नाम तो बताया नहीं आपने अपना, नाम बताओ। नाम क्या नाम है आपका, नाम क्या है स्कायू? देख स्काई बेबी है, वो छोटी कितनी क्यूट है। स्काई देख छोटी बेबी, ये नहीं खाता बेटा, ये नहीं खाएगा। नहीं नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं 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 नहीं, देखो मना कर रहा है ना, नहीं खाता वो। आपका नाम तो बताओ, इसमें वीडियो में नाम बताओ। हाँ नाम आपका, नाम क्या है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं खाएगा, देखो नहीं खाएगा, मना कर रहा है ना वो। नाम बताओ क्या है? बच ये आ गई दोबारा से। आपने नाम नहीं बताया अपना, नाम क्या है? मीना। क्या है स्काई? यू उसका नाम ही नहीं है। क्या स्काई बुलाओ उसको, नहीं खिलाना इसको, नहीं खिलाना, नहीं खा लो। हाँ मेरे को खिला दो, थैंक यू। अपने अपनी जी की, मैं आपको एक बहुत फनी सी बात बता दी। एक्चुअली ये बिस्किट का पैकेट मैं खा रही थी, तो ये मेरे पास आई और बोली मेरे को दो ये बिस्किट का पैकेट, और लिटरली यार ये आके इतनी ज्यादा एंजॉय कर रही थी मेरे साथ बहुत। तो बस मैं और स्काई को लगी थी काफी तेज से भूख, और हम आ चुके हैं हॉस्पिटल की कैंटीन में। और यार मैंने बिलीव नहीं किया था यहाँ पे इतना अच्छा खाना था। मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि तुम नीचे जाके खाना खाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। एंड बिलीव मी गाइज, ये खाना रियली में बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत टेस्टी था, जिसमें दाल थी और राजमा थे और कढ़ी थी, कढ़ी तो मैंने खाई नहीं थी, और पालक पनीर था और मटर पनीर था और पालक आलू थे, चपाती थी, सैलड था, और इतना अच्छा खाना यार कसम से कहाँ मिलता है, और ख़ासकर हॉस्पिटल की कैंटीन में तो इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। बट खाना रियली में बहुत डिलीशियस था और बहुत टेस्टी था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाओ वहाँ पे खाओ, फिर हमने खाया। और बस यार वही होता है कि बच्चे के साथ प्रॉपर खाया नहीं जाता, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना बच्चे के साथ खाने में बहुत ज़्यादा, बट जैसे तैसे करके हमने खाना फिनिश ही कर दिया। दाल, दाल, हाँ, भाई। दाल,
कुछ इस तरह है यहाँ की हॉस्पिटल की कैंटीन, और ये लोग भी काफ़ी अच्छे से सर्व कर रहे थे खाना। और खाना तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी डिलीशियस बनाई था और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे यार, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि यार जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए। तो मैंने इनको बोला भैया को कि खाना किसने बनाया, तो ये जो भैया खड़े थे यहाँ पे साइड में इन्होंने बोला क्या हुआ मैम आपको बुरा लगा? मैंने बोला नहीं खाना बहुत टेस्टी बना था, तो इनके फादर ने बनाया था। बहुत टेस्टी खाना, टेस्टी है खाना बहुत। सो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और इस व्लॉग के पीछे बहुत मेहनत होती है यार, लाइक कर।